हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फसलें जलने से भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में बारिश के अभाव में खेतों में खड़ी बाजरा समेत अन्य फसलों के जलने से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने में भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर नम्रता मिश्री के नाम एसडीएम मृदुला शेखावत को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समाधान की मांग की है। भारतीय किसान संघ ब्लॉक अध्यक्ष सताराम बेनिवार के नेतृत्व में किसानों द्वारा सौंपे ज्ञापन में बताया कि बागोड़ा तहसील क्षेत्र में इस बार वर्षा न्यूनतम हुई है, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी बाजरा समेत अन्य फसलें जल के अभाव में नष्ट हो चुकी है, जिसकी राज्य सरकार तुरंत गिरदावरी करवाकर अकाल घोषित किया जाए ताकि बर्बाद किसानों को फसली मुआवजा मिले। ज्ञापन में बताया है कि बागोड़ा तहसील के संपूर्ण क्षेत्र में बारिश के बिना अकाल की स्थिति है और फसल पूर्ण तरह से नष्ट हो चुकी है। प्रशासन बीमा कंपनी को सूचित कर जली फसली को नुकसान का आकलन करवाया जाए ताकि ऋणी किसानों को राहत नसीब हो। डिस्कॉम द्वारा कृषि बैरों में बिजली का स्थायी शुल्क दुगना कर रखा है, जो उचित नहीं है। उसे पूर्व की तरह यथावत रखे जाने से किसानों को राहत मिलेगी। ज्ञापन सौंपने से पूर्व कस्बे के क्षेत्रपाल धर्मशाला में भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित कर विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गयी, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष सताराम बेनिवाल रंगाला, दीपाराम मोरसिम, बाबूराम धेडू रंगाला, मंत्री नवाराम चौधरी देवड़ा का गोलियां, श्रीमती चंदू देवी जाट रंगाला, खेताराम, रामाराम धनपुरी, नरिगाराम चौधरी नया मोरसिम, दलाराम, भलाराम, दुर्गाराम, केराराम भील, सुधराराम माजरा समेत कई किसान व किसान संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बागोड़ा से रिडमल दान राफ की रिपोर्ट।